तो गाइस GTA 5 को खेलना कौन नहीं चाहता। आज के टाइम में हर कोई बंदा GTA 5 को अपने फोन में डाउनलोड करके खेलना चाहता है, लेकिन वो बात अलग है कि GTA 5 को अपने फोन में डाउनलोड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर क्यों? क्योंकि GTA 5 का इतना बड़ा है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, साइज बड़ा हरामी हो। मेरा नोकिया 3310 फोन 70 MB के गेम को ढंग से नहीं चला पाता, तो 70 GB का गेम उसमें कैसे चलेगा। बात तो सही है, लेकिन डोंट वरी, आपके इस दुख दर्द पीड़ा को समझते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 कॉपी गेम्स ऑफ GTA 5 जो कि आपके फोन में आराम से चल जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनमें कुछ गेम GTA 5 से थोड़े अलग होने वाले हैं, तो कुछ गेम GTA 5 से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होने वाले हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी, लेकिन भाई इस वीडियो को लाइक तो कर ही देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। टॉप 5 बेस्ट कॉपी गेम्स ऑफ GTA 5, और जो इस वीडियो का लास्ट वाला गेम होने वाला है उसे देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि ये GTA 5 है या फिर कोई दूसरा गेम है। और मैं जो भी गेम आपको बताऊंगा आप लोगों की सुविधा के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखने को मिल जाएंगी, तो आप वहां से इन गेम्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब जो हमारा 5th नंबर का गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है GTA 5 0.9। आपको पता ही होगा कि GTA 5 के काफी सारे फैन मेड गेम्स होते हैं, तो ये गेम भी एक फैन मेड गेम होने वाला है। इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे होने के साथ साथ इसमें आप लोग कार्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो, और इस गेम में आपको माइकल फ्रैंकलिन और नसेडी ट्रेवर ये तीनों कैरेक्टर ही देखने को मिल जाते हैं, तो आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने 4th नंबर के गेम पर। तो जो हमारा 4th नंबर पे गेम होने वाला है उस गेम का नाम है GTA 4, और इस गेम को अपने एंड्रॉइड फोन पर खेलने में काफी मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको इस गेम के ग्राफिक्स भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। इस गेम में आपको कुछ वेपन्स भी देखने को मिलेंगे जो मुझे बहुत अच्छे से चलाने आते हैं। अगर आप इस गेम में किसी को मारने की कोशिश करोगे तो समझ जाना आप खुद को मार रहे हो, क्योंकि इस गेम में सभी लोग एक ही कैरेक्टर के रूप में आते हैं जो कि है निको बेलिक, यानी कि GTA 4 का मेन कैरेक्टर। तो इस गेम में आप किसी को भी मारोगे तो समझ जाना आप खुद की हत्या कर रहे हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और इस सिटी में आपको काफी सारी कार्स देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप लोग ड्राइव करके इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये पूरी की पूरी सिटी आपको GTA 4 की देखने को मिलेगी। तो इस सिटी में आप लोग अलग अलग लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। तो इतने अच्छे ग्राफिक्स के GTA 4 गेम का साइज होने वाला है 600 MB। तो अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं अपने 3rd नंबर के गेम की तरफ। तो हमारे 3rd नंबर के गेम का नाम होने वाला है वाइस ऑनलाइन। इस गेम के नाम में ही ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली ये गेम ऑनलाइन ही होने वाला है। तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, और ये गेम एक बहुत ही अच्छा ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ एक्सप्लोर भी कर सकते हो। और इस गेम की सिटी भी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। इस सिटी में आप लोग काफी सारी अलग अलग लोकेशंस पे जाके डांस भी कर सकते हो, और इस गेम में आपको काफी सारे टास्क देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग इसमें रेसिंग कर सकते हो और हेलीकॉप्टर चला सकते हो। और इस गेम के ग्राफिक्स अच्छे होने के साथ साथ इसमें आपको इमोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, और ये गेम अभी न्यूली लॉन्च हुआ है तो इसमें ऑनलाइन प्लेयर की थोड़ी थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। तो ऑनलाइन प्लेयर के आने तक आप हवा से मुलाकात, मेरा मतलब मुक्कालात कर सकते हो। और इस गेम का साइज भी सिर्फ 200-300 MB तक का होने वाला है, तो आप लोग इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस ये देखो मेरी बहादुरी, मुझसे डर के भाग रहा है ये बंदा, क्योंकि इसको पता है जीवन स्टार मारेगा इसे बहुत ही गंदा। देखो मैं इसे कैसे घूंसों से मार। इस गेम में मैं तो ज्यादा एक्शन नहीं कर पाया, लेकिन जो अगला गेम है उसमें आप लोग साउथ के हीरो की तरह एक्शन कर सकते हो, क्योंकि उस गेम का कैरेक्टर ही साउथ का हीरो है। तो हमारे लिस्ट के 2nd नंबर के गेम का नाम होने वाला है सरकार इन्फिनाइट। इस गेम की ग्राफिक्स को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और इस गेम की मेन बात ये है कि ये गेम इन तीनों इंडियन डेवलपर्स ने बनाया है, और इस गेम में आपको इंडिया का एक साउथ का एक्टर विजय देखने को मिल जाता है, तो इस गेम का क्रेडिट भी इन तीनों डेवलपर्स को ही जाता है। और जो इस गेम के कट सीन्स है ना भाई, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई मूवी चल रही हो। और भाई साउथ के हीरो के साथ तो ये गेम और भी ज्यादा मस्त लगता है। और गाइस बहुत से गेम्स में कटसीन्स के ग्राफिक हाई होते हैं और बाद में गेम प्ले के ग्राफिक नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन भाई इस गेम में ऐसा नहीं होने वाला है। इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो गेम प्ले में भी काफी ज्यादा हाई होने वाले हैं, और अगर आपको कोई एक्शन वाला गेम खेलना है तो इससे ज्यादा बढ़िया गेम आपको कहां ही मिल सकता है। क्या किक मारता है भाई ये बंदा, मैं तो इसका फैन हो गया। तो गाइस ये भी इंडिया का काफी ज्यादा अच्छा गेम है, आप लोग चाहो तो इसे ट्राई कर लेना। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने लिस्ट के 1st नंबर के गेम की तरफ। तो जी हां, फाइनली वो वक्त आ चुका है जब
मैं आपको फर्स्ट नंबर के गेम को बताऊंगा, आप लोग उसे सुनोगे और वीडियो छोड़कर भाग जाओगे। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यार इन वीडियोस को बनाने में सुबह से शाम हो जाती है और मैं पूरी टाइम गर्मी में पंखा बंद करके वॉइस रिकॉर्ड करता हूं जिससे पंखे की आवाज ना आए। तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी लिस्ट के फर्स्ट नंबर के गेम की तरफ। तो इस गेम का नाम होने वाला है GTA 5 और इस गेम में आपको GTA 5 का माइकल कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। हमारे माइकल भैया सूट पहन के चलते हैं ऐसे और दौड़ते हैं पिछवाड़ा मटका के, और इस गेम के जो लुक और ग्राफिक है वो बिल्कुल GTA 5 के जैसी हैं। और इस गेम के अंदर आपको GTA 5 की तरह ही बहुत सारी कार्स देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप ड्राइव कर सकते हो। और गाइस अभी तक जितने भी GTA 5 के फैन मेड गेम्स आए हैं उनमें से इस गेम की सिटी सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है, तो आपको इस गेम की सिटी को एक्सप्लोर करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस इस गेम के ग्राफिक्स, टेक्सचर्स, कार्स, कैरेक्टर्स सब कुछ GTA 5 जैसी है, तो अगर आप लोग चाहो तो इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थे वो गेम जो मुझे आपको बताने थे। ये गेम आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। बाय गाइस, लव यू ऑल।